मोहब्बत का इससे क्या ताल्लुक है? बाज दफा ऐसा होता है कि हम किसी पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं, उनका केस लिखते हैं, तो होम्योपैथी में ये बहुत अहम चीज है कि हम वजूहात को नोट करते हैं कि आखिर ये मर्ज जो आया है, इस मर्ज के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो हम मौजूदा कंडीशन को देख के पेशेंट से सवाल करते हैं कि आपको ये मसला कब हुआ, ये मसला कैसे हुआ, जब ये मसला हुआ था तो तब आपको क्या हुआ था, यानी उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी, क्या आपके घर में कोई सदमा था, क्या आपके घर में कोई परेशानी थी, क्या आपको किसी किस्म का कोई सदमा या टेंशन थी। बात ऐसे होता है कि एक पेशेंट आता है, वो कहता है, फीमेल आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरा जो पीरियड है, मेरे जो मेंसेस है वो बंद हो चुके हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आपके ये जो मेंसेस बंद हुए हैं ये कब से हैं? वो ये कहती है कि मुझे परेशानी लग गई थी, मैंने टेंशन ली थी बहुत ज्यादा, मैं सदमे में आ गई थी, मुझे सदमा हुआ था बहुत ज्यादा, मेरा भाई या मेरा शोहर या मेरा कोई अजीज जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया था या फोत हो गया था, यानी कोई परेशानी आई थी घरेलू, उस परेशानी की वजह से उसके बाद से मेरे जो पीरियड है, मेरा जो मेंसेस है वो ठीक नहीं हुआ, या तो वो बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं या आते हैं एक माह दो माह तीन माह के बाद। अब जब हम ये सवाल करते हैं कि आपने कोई टेंशन तो नहीं ली, या हम ये पूछते हैं कि क्या आपको मोहब्बत में कोई नाकामी तो नहीं हुई, या हम ये करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आपको कोई सदमा तो नहीं हुआ इश्क में नाकामी का, मोहब्बत में नाकामी का, तो वो आगे से ये हमें कहते हैं मोहब्बत का इससे क्या ताल्लुक है। दोस्तों ये जो सवाल है हमारा, ये पूछने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी जो है हम प्राइवेसी जो है उसको हम ओपन कर रहे हैं, बल्कि नहीं, हमारे पास एक केस है, केस को हम कवर करने के लिए उसकी वजूहात जो है उसको नोट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि आपकी जो मौजूदा बीमारी है उसके पीछे वजह क्या थी। क्या आपको शादी में नाकामी हुई, यानी तलाक हो गई, मोहब्बत में नाकामी हुई, यानी जो आपका एक रिश्ता था, ताल्लुक था किसी के साथ, वो खत्म तो नहीं हुआ, उस वजह से आपने टेंशन ली और आपको ये मसला बन गया। क्योंकि होम्योपैथी में जब भी आप इलाज करवाना चाहेंगे तो आपके पास हर तरह के सवाल होने चाहिए और हर तरह के सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक पेशेंट कहता है कि मुझे हर वक्त कमजोरी फील होती है, मेरा जिस्म कांपता है, मेरे जो है सर में दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती। सर में दर्द होना, नींद का ना आना, जिस्म का कांपना, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर हम उसे पूछें ये कब से हुआ, पेशेंट खुद ही बता दे कि जब से मुझे मोहब्बत में नाकामी हुई है या जब से मुझे फलां ने मुझे छोड़ दिया, तब से मेरे साथ ये कंडीशन आ रही है। तो इसलिए दोस्तों मोहब्बत में नाकामी होना ये सवाल हमारा कोई फजूल सवाल नहीं है, बल्कि आपके केस को कवर करने के लिए ये हमारे पास बहुत ही अहम सवाल है। जैसे एक पेशेंट आता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जज्बाती तौर पर या मेरा जो जहन है, जहनी तौर पर मैं बहुत ही तेज हूं, चलाक हूं, लेकिन फिर भी मेरा जिस्म कांपता है, मुझे हर वक्त परेशानी रहती है, मैं डवाडोल ही रहता हूं। अगर आप इससे पूछेंगे कि क्या आपको कोई सदमा हुआ था, ये बोलेगा हाँ मुझे सदमा हुआ था, तब से मुझे ये मसला है। तो अगर आपको ये बोले कि सदमा के बाद ये मसला है, तो आपके पास ये मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया एक मेडिसिन है जो
पेशेंट आपके पास आएगा, वो आपको बोलेगा कि मुझे ये जो कंडीशन है, ये जो बीमारी है, ये तब से हुई है जब से मैंने कोई परेशानी ली है, मुझे कोई सदमा हुआ था, या मैंने कोई भी परेशानी ली थी, टेंशन ली थी तब से। यानी सदमे के बाद कोई भी मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई अलामत बाहर आ जाए, यहां तक कि आपको कोई अटैक हो जाए, आप बिल्कुल कोमा में चले गए हैं, या आप जो है बीमारी की वजह से आपको फारिज हो गया, कैंसर हो गया, तो आप जो है ये मेडिसिन इग्निशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं।